हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे ही होंगे। सुबह का वक्त हो रहा है तो मम्मी जी सूर्यांश का लंच बना रही हैं और सूर्यांश नाश्ता कर रहा है। नहा धो के रेडी है सूर्यांश, बस स्कूल जाने की तैयारी है। तो वो अब वॉच पहन लेगा और वेदांत अपना मज़े से सो रहा है। देखिए, वॉच पहन के फिर मैं उसके बाल कंघी कर दूँगी और तेल वगैरह डाल दूँगी उसके बालों में। फ्रेंड्स, मम्मी जी ने सूर्यांश का लंच बना दिया था तो वो मैं उसके बैग में लगा दूंगी। मम्मी जी की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह का मॉर्निंग का लंच खाना और शाम का भी मैं ही बना रही थी। नहीं तो मम्मी जी की तबीयत ठीक होती है तो वो खुद ही अपने आप करती हैं, मेरे को नहीं करने देती हैं। वैसे आप लोगों को मैंने पहले ब्लॉग में बता रखा है, शाम का मैं बनाती हूँ, सुबह का मम्मी जी बनाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, जो भी मेरे घर में होता है वो सब बताती हूँ। और हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, मैंने आपको पहले ही बताया। उन्हें वीडियो में आना पसंद नहीं है, ना उनके बारे में कुछ बताएं वो भी पसंद नहीं है उनको। सूर्यांश अच्छे से तैयार हो चुका था तो सूर्यांश अब जा रहा है स्कूल, आप लोगों को बाय कर रहा है और उसे मैं मास्क दे दूँगी, वो भूल गया था फ्रेंड्स। और देखिए, वेदांत शैतान उठ चुका है। क्यों नहीं बोल रहा बेटा, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो गुड मॉर्निंग। चलिए, आपकी बेदू से थोड़ी बहुत जबरदस्ती बात कराती हूँ, वैसे तो ये करेगा। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बोलो बेटा। धीरे से बोल रहा है, कोई सुन ना ले। और बोलो बोलो, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड्स, इसका मन होता है तो आप लोग ऐसे अच्छे से बात करेगा, इसका मन नहीं हो तो नहीं बोलता है। ये मन मौजी है और देखिए कितनी स्माइल कर रहा है आप लोगों से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। सभी लोग अच्छे ही हो गए। सुबह का वक्त हो रहा है, सूर्यास्त निकल चुका है और वेदांत अभी उठा है, आप लोग देख सकते हो। और उसने अभी अभी दूध पिया है, इसे तो कोई टेंशन नहीं है, सो के आराम से उठता है, कोई स्कूल नहीं जाना है। सूर्यांत तो अपना सुबह चला गया और हस्बैंड भी चले गए और मैंने अभी अभी पिए चाय, तो फिर मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना रूटीन, वही डेली वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फ्रेंड्स, वेदांत उठ चुका था तो उसने दूध वगैरह पी लिया था, वो अपने बाबा के पास खेलने चला गया है। तो मैं अपने आ जाती हूँ रूटीन पर जो डेली यूज़ का होता है। और देखिए, मैं बेडशीट सही कर लूँगी फ्रेंड्स, और फिर ऊपर डस्टिंग आ जाती है, वो भी बेडशीट के ऊपर से पोंछ लूँगी। इस पर डेली कपड़ा मारना पड़ता है क्योंकि ब्लैक कलर का है तो जल्दी आती है। और फिर मैं आ जाऊँगी बाहर सोफे सही करने, सोफे पे भी आ जाती है बहुत ज़्यादा, आंधी वगैरह आती है और बच्चे कुछ चढ़ते हैं, कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर फैला देते हैं। फिर मैं आ जाऊँगी फ्रेंड्स झाड़ू लगाने। झाड़ू मैंने वैसे सूर्यांश जाता है उससे पहले ही लगा देती हूँ, कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो सूर्यांश जाने के बाद जब लगाती हूँ। फ्रेंड्स, रूम में झाड़ू लग चुकी थी, अब मैं लगा लूँगी बरांडे में। चलिए, अब मैं चलती हूँ किचन में, मम्मी जी क्या कर रही हैं, मम्मी जी ने क्या बनाया। मम्मी जी ने आज बनाया है चने की दाल का पालक और राइस बनाएंगी और रोटियां। देखिए, मम्मी जी तड़का लगाने की तैयारी कर रही हैं तो मैं अब साथ के साथ किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी और मम्मी जी खाना बना रही हैं। फ्रेंड्स, मम्मी जी की तबीयत अच्छे से ठीक नहीं थी, वो बोल रही थी मैं अच्छे से कर ही नहीं हो पा रही हूँ, तो मैंने बोला आप जाओ मैं खाना बना लूँगी, झाड़ू पोछा तो मैंने कर ही लिया है। फिर भी वो सोचती हैं ये अकेली लगी रहेगी तो मैं ये हेल्प करा देती हूँ, खाना मैं बना लूँगी, ये ऊपर का सारा काम कर लेगी। तो देखिए, वो दाल छौंकने की तैयारी कर रही हैं और वेदांत नीचे है और बाबा भी नीचे हैं और मैं बर्तन भी जो थे रात को मांजे थे वो रैक में लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए चावल बन चुके हैं, अब दाल छौंकने की तैयारी है। प्याज, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तो प्याज हरी मिर्च डाल ली, प्याज लहसुन अच्छे से भुन चुका था, फिर इसमें लहसुन डालेंगे फ्रेंड्स, फिर रेगुलर जो मसाला था वो भी डाल लेंगे, फिर टमाटर जो पीस के रखे थे हमने वो भी डालेंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से इसे भूनना है। देखिए, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है, स्लो गैस पर ही भूनना है फ्रेंड्स, ये लगना नहीं चाहिए। अब इसमें डाल लेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी, उसे अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, खाना बनके हमारा तैयार है, अब मैं लगाने आ जाऊंगी रूम में पोछा। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दिया था तो पोछा नहीं लगा पाई थी, किचन साफ़ करने चली गई थी तो किचन अब साफ़ करके आ गई थी, तो मैं अब रूम में पोछा लगा लूँगी फ्रेंड्स, फिर लगा लूँगी बरांडे में। और नीचे का भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वैसे मम्मी जी डेली झाड़ू पोछा कर लेती हैं,
तो मैं सीढ़ियाँ नीचे की भी अच्छे से पोंछ लाऊंगी। बच्चे ऊपर से नीचे ऊपर होते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं। और देखिए वेदांश क्या कर रहा है। आप लोगों को वेदांश की आज बातें बताती हूँ मैं। मोगली देख रहा है। वेदू क्या देख रहे हो आप? मोगली है? अच्छा आता है? मोगली क्या कर रहा है? फ्रेंड्स वेदांश की बातें क्लियर तरीके से समझ में नहीं आती हैं। कोई भी बात बोलता है तो वो ऐसे धीरे धीरे बोलता है तो अच्छे से समझ में नहीं आती है। मुझे तो आती है और मम्मी जी को आती है। बाहर का कोई होगा तो उन्हें समझ में नहीं आती है। मैं नीचे पोछा लगाने आ गई थी, फिर मम्मी जी के रूम में पोछा लगा लूँगी। फ्रेंड्स वेदांश का तो मोगली दिख रहा है। मोगली के आगे उससे कुछ और दिखता ही नहीं है। रूम में पोछा लग चुका है, अब मैं बरांडे में लगा लूँगी। फ्रेंड्स मेरा नीचे वो झाड़ू पोछा हो गया था तो अब मैं आ जाऊंगी किचन साफ़ करने। अच्छे से गैस साफ़ कर लूँगी, फिर स्लैब साफ़ कर लूँगी, फिर कुछ बर्तन है वो भी अच्छे से माँज लूँगी। फ्रेंड ये बर्तन है तो वो भी बर्तन भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वेदांश भी अभी नहाया नहीं है। देखिए मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, किचन भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। देखिए ये कपड़े हैं वो धोने हैं मुझे। और चलिए मैं आपको अपने रूम में लेके चलती हूँ। ये भगवान जी की पूजा हो चुकी है, पापा जी ने कर ली थी। पापा जी का डेली रूटीन है, डेली नहाने के बाद पूजा ही करते हैं। और मेरे कान्हा जी भी देख लीजिए। और देखिए मेरा रूम भी कितना साफ़ सुथरा है। बच्चे आएंगे तो शैतानी चालू हो जाएगी। मम्मी जी मार्केट से मेरे लिए दवाई लेके आई थी, मेरे छाले हो रहे हैं तो वो अपने सामने ही मुझे खिला रही थी। फिर दीदी का फ़ोन आ जाता है तो दीदी से बात करने लगती हैं तो मैं पानी लेके आती हूँ। तो जब तक मेरे लिए दवाई निकाल के रखी थी, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी एक दो दिन पहले दवा ला के दी थी, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मम्मी जी लेके आई हैं, ना मैं कुछ खाना खा पा रही हूँ ना बोल पा रही हूँ। तो मम्मी जी ने सारी टैबलेट निकाल ली है, वो मैं अपने सामने ही खिला रही हैं। फ्रेंड्स मैं टैबलेट अच्छे से नहीं खा पाती हूँ, मैं उल्टियाँ आती हैं तो इसी वजह से खिला रही हैं। ये फेंक ना दे तो मैं सारी टैबलेट खा लूँगी। अब मैं नहाने चली गई थी, फिर नहा के आ जाती हूँ, फिर मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी। फ्रेंड्स और देखिए आपको वेदांश की शैतानी दिखाती हूँ। वेदांश पियानो से खेल रहा है, वेदांश तो खेल रहा है। मैं अपने लिए किचन में चली जाऊँगी खाना लगाने। फ्रेंड्स वेदांश के लिए भी लेके आ जाऊँगी और अपने लिए भी ले जाऊँगी। देखिए ये वेदांश के फीके चावल है, वो मेरे हैं मिर्ची वाले। वो भी मेरे से इतने चावल भी पूरे नहीं खबे थे। फ्रेंड्स मैंने इतनी मुश्किल से खाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि वेदांश का खाना हो चुका है। अब मैं वेदांश को पढ़ाई करा लूँगी। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अपनी वीडियो में आप तक पहुँचा सकूँ। बाय।